अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को रोकने के लिए जो काम रोको अभियान चला रही है पिछले कई सालों से, भाजपा का काम रोको अभियान धीरे धीरे अब अपने चरम की तरफ अग्रसर हो रहा है। दिल्ली ही नहीं, पूरा देश जानता है, पूरे दुनिया के अंदर आज दिल्ली की चर्चा होती है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरे देश के में जो सरकारी शिक्षा तंत्र धीरे धीरे पूरी तरह से पैरालाइज होता जा रहा है, जब लोगों ने ये मान लिया था कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूलों में मजबूरी में अपने बच्चे लोग भेजने की मना स्थिति में पहुंच गए थे, उस समय दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 360 डिग्री इस सोच को बदला। और ना सिर्फ सोच को बदला, बल्कि दिल्ली के अंदर इस बात को हकीकत में सच करके दिखाया कि सरकारी स्कूल जहां पर आम तौर पर गरीबों के बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं, वो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बन सकते हैं, बेहतर शिक्षा मिल सकती है, बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और जो सरकारी स्कूलों में परिवर्तन की जो खुशबू है, देश की राजधानी दिल्ली से पैदा हुई, वो खुशबू ना सिर्फ देश में फैली, बल्कि उसकी खुशबू पूरे दुनिया ने महसूस किया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि दिल्ली के अंदर जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, केंद्र सरकार उनको बुलाती है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी ये इच्छा व्यक्त करती हैं कि हमें दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल देखना है। क्यों देखना है? आज तक तो दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष और किसी भी विदेशी प्रतिनिधि ने आकर के भारत के किसी राज्य के शिक्षा व्यवस्था को देखने की, स्कूलों की देखने की तो इच्छा नहीं व्यक्त की, क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया जिस सरकारी शिक्षा व्यवस्था के चैलेंज से जूझ रही है, दिल्ली ने उसका एक समाधान दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज अपने बच्चा जब पैदा होता है तो मां बाप सबसे पहले यही सोचना शुरू करते हैं कि इसको बेहतर शिक्षा देनी है, किस किस स्कूल में हम उसका नाम लिखवा सकते हैं। वो प्राइवेट स्कूलों के नाम होते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर आज सरकारी स्कूल के बच्चों ने एक साल नहीं, दो साल नहीं, निरंतर लगातार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर लाने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने काम रोको अभियान के तहत दिल्ली के अधिकारियों पर मानसिक दबाव बना करके, कंट्रोल करके, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने के अभियान में लग गई है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण सामने आया है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी अवलोकन के, बिना किसी मार्किंग के, एक साथ दिल्ली के रातों रात 5,000 टीचर्स को उठा करके दूसरे स्कूल में फेंक दिया गया।
एक लाइन के आधार पर 11 जून को शिक्षा विभाग के अधिकारी आदेश निकालते हैं कि कोई भी शिक्षक जो एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा है उसको उठा करके वहां से फेंक दिया जाएगा। उनको नहीं पता कि दिल्ली के जो शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हुआ है उसकी रीढ़ की हड्डी हमारे टीचर्स हैं। देश में कहीं का भी सरकारी स्कूल का शिक्षक जाकर के बताता है मैं प्राइमरी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूं, तो लोगों को एक ही बात समझ में आती है कि वहां तो पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आज दिल्ली सरकार का टीचर अगर देश में कहीं भी जाता है लोगों को पता चलता है ये दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल का टीचर है तो लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। देश में और पूरे दुनिया के प्रमुख संस्थानों में इन शिक्षकों की ट्रेनिंग करके ही यह कायाकल्प हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूल का, और दिल्ली के नहीं पूरे देश के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने का काम किया अफसरशाही ने। अफसरशाही के मनमाने तरीके से बिना तथ्यात्मक आधार पर किए गए प्रशासनिक डंडे ने सरकारी स्कूल को तहस नहस किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार के उद्योग ने सरकारी स्कूलों को तहस नहस किया है। दिल्ली के अंदर इसी चीज को पलटा गया, शिक्षकों को सम्मान दिया गया, उनको फ्रीडम दिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको यह बोध कराया गया कि ये बच्चे और ये स्कूल आपके हैं, उसके साथ उनके इमोशंस को जोड़ा गया, जिसका परिणाम हुआ कि वही टीचर उन बच्चों को अपना समझने लगे, उनको प्यार देने लगे, उनको शिक्षा देने लगे, और दिल्ली ने इस रिकॉर्ड को कायम किया। आज ये मूल्यांकन किए बगैर ये बात तो समझ में आती है कि अगर किसी स्कूल में किसी टीचर की मार्किंग पढ़ाने का परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं है आप उसको ट्रांसफर करते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन एक लाठी से एक रात में रातों रात 5,000 शिक्षकों को उठा करके उन टीचरों के वहां के बच्चों के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं, किस बच्चे का क्या माइंडसेट है वो टीचर जानता है। अब जब नया दाखिला नई पढ़ाई का सेशन शुरू हो रहा है आपने उठाकर फेंक दिया, आपको कोई इससे मतलब नहीं है। एक बच्चे को गरीब परिवार के बच्चे को उसके मानसिकता से जुड़ना, उसके मां बाप को एजुकेट करना, पेरेंट्स मीटिंग में उन्हें गाइड करना और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मेंटली तैयार करना, ये एक दिन का प्रशासनिक डंडे से नहीं हुआ है। लोगों ने अपने बच्चों की तरह टीचरों ने उन बच्चों को पाला पोसा है और बड़ा किया है, उनको समझाया है, उनको तैयार किया है, उनके मां बाप को तैयार किया है। इसलिए यह साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम रोको अभियान दिल्ली के अंदर जारी है उसका सबसे खतरनाक चेहरा दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने का यह सामने आया है, जिसका यह पहला एक्शन उन्होंने भाजपा ने लिया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में लेकर के लिया है, ये दिल्ली के लोगों को मंजूर नहीं है। शिक्षकों के यूनियंस को भी शिक्षकों को भी ये मंजूर नहीं है। और ये बात केवल लिया नहीं जाता है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद लिया जाता है। 11 जून को दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तरफ से ये आदेश दिया जाता है, 1 जुलाई को दिल्ली के शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के सचिव शिक्षा विभाग के डायरेक्टर निदेशक के साथ मीटिंग करके आदेश देती हैं कि ये ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, ये ट्रांसफर दिल्ली सरकार के बुनियाद को हिला देंगे, छात्रों और जो टीचर्स का इमोशनल बाउंडिंग है उसको तोड़ देंगे। लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद 2 जुलाई को रातों रात 5,000 शिक्षकों को उठा करके फेंक दिया जाता है। मेरी हाथ जोड़ करके
भाजपा के नेताओं से विनती है, एलजी साहब से हमारी गुजारिश है कि आप भाजपा के काम रोको अभियान का हिस्सा बन करके दिल्ली के बच्चों के भविष्य पर लात मत मारिए। इस ट्रांसफर को तुरंत रोका जाए और जो चारों तरफ से आवाज उठ रही है ये ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार के लिए किया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग इसलिए शुरू किया गया है कि इसमें पैसा खाया जा सके। इसको तुरंत रोका जाए और इस पर तुरंत जांच बिठाई जाए, जो भी इसके लिए दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये निवेदन आम आदमी पार्टी का केवल नहीं है, ये दिल्ली के केवल शिक्षकों का नहीं है, ये दिल्ली के उन हजारों हजार बच्चों और उनके परिवारों का है। प्लीज, सब कुछ आप रोक रहे हो, कम से कम बच्चों के भविष्य को तो मत रोको। बहुत मुश्किल से यह काम दिल्ली ने हासिल किया है, बहुत मुश्किल से हासिल किया है। प्लीज, देश के इन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ न करें। इसको तुरंत एलजी साहब हस्तक्षेप करके इसको रोकें और जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच किया जाए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। कम से कम ये कलंक भाजपा अपने सर पर न ले कि कामों को रोकते रोकते इतना चस्का लग गया है कि अब बच्चों के भविष्य को भी दाव पर लगाएगी। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, इस काम रोको अभियान को कम से कम बच्चों से दूर रखिए।